इस धरती पर और कोई वस्तु नहीं है। ठीक है बेटा, देखो सबका अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना बोलते रहे तरीके का खाने की चॉइस होती है, बट मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, जब एक जानवर को पता है कि वो चीज पेट में जाने के बाद मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है, आप और मैं इंसान हैं, हमें भगवान ने बहुत अच्छा ब्रेन दिया है, तो क्यों ना हम भी जरा उस पर थोड़ा सा सोचे और विचार करें। तो एडल्ट्रेटेड फूड नहीं खाना है, और जहां भी होना बेटा ट्राई करो, हर जगह का हर वस्तु सब समय नहीं खाई जाती है, किधर भी रुक गए कुछ भी खा लिया, किसी भी दुकान में चले गए कुछ भी चाट पत्तल आप खा के आ गए, ऐसा लाइफस्टाइल आपको आगे चलकर बहुत सीरियस बीमारी, स्टमक कैंसर जिसको इंटेस्टिनल कैंसर भी कहा जाता है, वैसी गंभीर बीमारी दे सकता है। नेक्स्ट, Which methods of food preservations are used to preserve foodstuff? जैसा मैंने आपको अभी बताया, तरह तरह के मेथड है, आप फ्रीजर में रख के उसको फ्रीज कर सकते हो, आप उसको कैन में बंद कर सकते हो, आप उसको स्मोक दे सकते हो, स्टीम दे सकते हो, आप उसमें ज्यादा शुगर मिला सकते हो, आप उसमें ऑयल डाल सकते हो, सॉल्ट डाल सकते हो, बॉइल कर सकते हो, सन ड्राइंग कर सकते हो, आप उसको कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हो, केमिकल या नेचुरल पेस्टिसाइड लगा के रख सकते हो, और ऐसे ना जाने कितने सारे मेथड्स हैं बेटा हमारे खाने को बचाने के लिए, ताकि जितना खाना बचेगा उतना कम वो वेस्ट होगा, और जितना कम खाना वेस्ट होगा ना बेटा उतने ज्यादा लोगों के पेट तक वो अंत पहुंचेगा। इसीलिए फूड वेस्टेज को, अन्न के नुकसान को या अन्न के बर्बादी को बहुत ही बड़ा पाप माना गया है, और आप मानो या मत मानो, आप अपने घरों में ही देख लो, आपको बड़े बुजुर्ग टोकते होंगे कि झूठा मत डाल, क्यों? बिकॉज वो एक पाप की श्रेणी में आता है, दैट इज आपको अगर नहीं खाना था तो पहले ही मना कर देते, आपके हर रोज के थोड़ा 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 झूठा छोड़ने से कितने बच्चे बेटा बिना खाए एक टाइम सो रहे हैं। इसीलिए ट्राई करें कि हम आज अभी इसी वक्त से ये पागलपन बंद कर दे और झूठा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब बेटा हमारे घरों में फ्रिज का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, तो इसका सिंपल कारण क्या है? फ्रिज जो होता है ना बेटा, उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस का होता है। अगर आपके घर में एसी होगा तो जब आप अपने एयर कंडीशन को 16 डिग्री पे डाल देते हो ना बेटा, तब एकदम ही कूल और चिल्ड हो जाता है वातावरण। अब उस 16 से भी और कम करके 5 कर देना है, 5। इसीलिए जब डोर खोलते हैं तो अंदर से एकदम ठंडी ठंडी हवाएं निकलती है। इस टेम्परेचर पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पैदा हो सकता है, और अगर बाय मिस्टेकली वो फ्रिज के बाहर रखे हुए खाने में पैदा हो गया और आपने उसको फ्रिज में रख दिया, तो इतनी ठंडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। इन शॉर्ट, आपके खाने को पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेस कर दिया जाएगा, या तो पैदा ही नहीं होगा, और यदि पैदा हो गया तो वो फ्रिज में जाने के बाद मर जाएगा। इस वजह से आज की तारीख में हमारे घरों में और जिधर भी आप जाओ, फ्रिज में आप देखते हो वो सभी पेरिशेबल, पेरिशेबल का मतलब होता है वो फूड आइटम्स जो बहुत जल्द सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, या जिन फूड आइटम्स की शेल्फ लाइफ, उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, ऐसी सभी चीजों को फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि वो आराम से फ्यूचर में या अगले दिन इस्तेमाल की जा सके। नेक्स्ट है बेटा आपके लिए, आजकल हम लोगों ने बुफे स्टाइल सिस्टम को बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं जानता हूं बहुत से बड़े बुजुर्ग इसके विरोध में होंगे, लेकिन आप इस बुफे को अगर पंगत में एस्टैब्लिश कर दो तो वो भी हो सकता है। देखो बेटा, पहले हमारे स्टाइल में यूं कहें तो आज से 50-60 ईयर्स पहले ना पंगत सिस्टम होता था।
आज भी आप बड़े बड़े मंदिरों में जाते हो, भोजनालय में जाते हो, तो वहां पर सबको एक लाइन में बिठा कर उनको थाली परोसी जाती है और उसमें वो जो सर्विस होती है ना उसे पंगल। लेकिन आज एक नया कल्चर आया है जिसके अंदर सूट बूट पहन के, जूता चप्पल पहन के, हाथ में थाली लेकर खाना खाया जा रहा है। कोई बात नहीं, जैसा भी हो, लेकिन अब इसमें समझने वाली बात है, जब बुफे सिस्टम होता है ना बेटा, तो उसके अंदर आपको खुद को सर्व करना होता है। इसीलिए जो ऑर्गेनाइजर होता है या जो पार्टी का होस्ट होता है वो क्या बोलते हैं, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, यानी कि आप खुद अपनी सेवा करें। अगर आपको कढ़ी पसंद और वो कढ़ी आपके हिसाब से बनी है खट्टी मीठी मस्त, तो आप एक कटोरी ले लो, आपने आधी कटोरी पी और फिर उसको फेंक दी, क्या मतलब होता है। आपको मूंग दाल का हलवा नहीं पसंद है तो आप मत लो, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। आपको दो ही पूरी खाने की इच्छा थी तो आप दो पूरी ले लो। इस तरीके से आप अपनी प्लेट में उतना ही खाना लोगे जो आपकी पसंद का होगा और आपको खाना होगा। इसीलिए बुफे सिस्टम में आज की तारीख में वेस्टेज नहीं होता है, लेकिन जो खाना बच जाता है या तो मेहमानों ने कम खाया या हमने मेहमानों की गिनती की थी बहुत सारी, आए कम, या फिर खाना बर्बाद हो गया बिकॉज स्वाद नहीं था, टेस्टी नहीं था, तो उस टाइम पर जो बर्बादी होती है ना वो एक मायने रखती है। लेकिन पहले ना बेटा एक प्यार होता है, प्रेम होता है, आज भी हमारे घरों में होता है। जब हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो पापा मम्मी टर्न बाय टर्न उनको खिलाते हैं। शादियों में आज भी होता है, जब भैया भाभी एक साथ टेबल पे बैठते हैं तो सब लोग उनको घेर के बैठते हैं, अब मेरे हाथ से खाओ, अब मेरे हाथ से खाओ। नो डाउट ये प्रेम है, बट आप ये भी तो सोचो कि इसमें खाने की बर्बादी कितनी हो रही है। या तो आपको खाना जो बच गया है, फिर आपका जो वो रिमेनिंग फूड है वो आप कोई एनजीओ को संपर्क कर लो कि भाई आज हमारे घर में शादी है, शाम को 10 बजे या रात को 11 बजे आप अपना ट्रक भिजवा देना या टेम्पो भिजवा देना, हम पूरा खाना आपके एनजीओ में दे देंगे, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपके मेहमानों ने भी इंजॉय किया और अब वो खाना जो बच गया है, जो अच्छा खाना है, जो कचरे में जाने वाला था, वो एनजीओ में चला जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बचा बचा खाना क्या करे, छोड़ दो ना, हटा दो ना, फेंक दो ना, क्या कर सकते हैं, बर्बादी तो होती ही है, थोड़ा तो एक्स्ट्रा बनता ही है, अगर आप ये सब करने बैठे हो तो फिर ये सिस्टम बहुत ही खराब है। इसीलिए किसी को भी खाने को लेकर फोर्स मत करो, और स्पेशली वो जो जबरदस्ती का ठूस ठूस के खिलाना होता है ना वो तो बिल्कुल ही, आपके साथ कोई करेगा आपको अच्छा लगेगा। अब आपको बेसन का लड्डू नहीं पसंद है फॉर एग्जाम्पल, मैं आऊ और सब छोटा सा मुंह बना लू, और मेरे हाथ से तो खाएगा ही नहीं, आधा तो खाना ही पड़ेगा, और फिर आप मुंह खोलो मैं पूरा लड्डू आपके मुंह में ठूस दू, फिर आप मन मार के उसको आधा खाओगे, आधा फेंक के टिश्यू में रख करके डस्टबिन में डाल दोगे, क्या मतलब बन रहा है। बनाने वाले की मेहनत और जिसने बनवाया उसका पैसा दोनों डस्टबिन में चला गया, क्या मतलब बना। इस बेटर है कि आप उतना ही लें जितना आपको खाने की इच्छा। और लास्ट में बेटा कंक्लूड करते हुए इस चैप्टर को, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको रिपीट करके समझाई है कि आप इतना देखो बेटा कि आप उतना ही लो थाली में जो आप खा सको, आपको चाहिए तो आप सेकेंड टाइम लो, थर्ड टाइम लो, और अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है तो वो आप अपने हाथ लगाने से पहले, या जिसको हम कहते हैं ना खाना झूठा करने से पहले, आप उसको रिटर्न करवा दो। ट्राई यही करना चाहिए कि हम ज्यादा ज्यादा कलेक्शन नहीं करें, वो तो शुक्र है अभी डीमार्ट में भीड़ नहीं है इतनी, अदरवाइज जब वो एक पे एक फ्री होता है या दो पे एक फ्री होता है ना, आप सबकी ट्रॉली बैग देखने जैसी होती है, इस तरीके से वो लूटा जाता है सामान, that is the dead end। इसके आगे ना वो बिस्किट मिलेगी, ना वो वेफर मिलेगा, ना वो कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगी। ठीक है आप ले लो, लेकिन अगर आप उसको खत्म कर देते हो, फिनिश कर देते हो, इस्तेमाल पूरा कर देते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने शॉक शॉक बेस पर टेम्पटिंग बोलते हैं, टेम्पटेशन में आपने उसको ले लिया, अरे दो पैक फ्री का मैंने तीन चार पैकेट उठा लिए, वेरी गुड, और फिर वो पड़ा रहता है,
एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, फिर आप भी कंटाल गए, और फिर जब उसको खोला तो वो सील गया, उसमें बांस आ रही है या चींटी लग गई, और फिर आप उसको फेंक रहे हो, आपका तो नुकसान नहीं हुआ। इससे बेटर है आपको अगर दो चाहिए थे तो आप तीन ले लो, लेकिन वो छह छह सात सात की लालच में मत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप खुद इस हैबिट को इनकल्केट करो, अपनी जीवन में खुद लाओ, और जिधर भी फूड वेस्टेज हो रहा हो, अगर कोई बड़ा कर रहा है तो उन्हें प्यार से, और छोटा है तो उसे भी प्यार से समझा कर सिर्फ इतना कहना है कि भाई खाना बर्बाद करके क्या, नहीं खाना है तो थोड़ा कम लो, और जब आप सर्व करो तो पूछ पूछ कर कि अंकल देखो आपको, अंकल आप लेंगे, आंटी आप लेंगे, तू लेगा भाई, इस तरीके से स्माइल रख के, टॉन्ट नहीं मारना है, और खाएगा क्या, छह बार तो ले चुका है, सातवीं बार भी लेगा क्या, इस तरीके से नहीं, प्यार से परोसना है ताकि खाने वाले को मजा आए और अपना खाना बर्बाद भी ना जाए। फाइन बच्चा, विद दिस रिस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर